अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी नई आसानियों के मामले करें, आमीन। ये आज जो है शिकागो में दो दिन से जो है स्नो की फोरकास्ट थी और दो दिन से ये स्नो हो रही थी जो है, तो मुझे थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी तो मैं बाहर गई थी, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी ही थी मुझे। तो ये देखें बाहर की क्या कंडीशन हो रही है ना। तो पहले थोड़ी सी फ्लरीज वगैरह पड़ी, लाइट सी स्नो भी हुई है, लेकिन इस दफ़ा ये दो दिन की फोरकास्ट थी तो इसमें काफ़ी स्नो हुई है। वैसे तो खैर कनाडा वगैरह में भी काफ़ी हुई है, बता रही थी एक दो लोग मुझे, लेकिन शिकागो में ये देखें ये सारी बाहर के, ये हमारा बैक डोर है ये, तो इसमें देखें सारी हाल बुरा हो रहा था। तो बस ये विंटर तो ऐसे ही गुजरता है जो है, सबको पता ही है, 3 महीने तो रहती ही हैं इसी तरह, ये मेल्ट हो जाएगी फिर दोबारा स्नो हो जाएगी, तो उसके बाद काफ़ी ठंड वगैरह हो जाती है। ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो लोग कनाडा या इस तरफ रहते हैं, देखें सब क्लीन भी कर रहे हैं बाहर के ना, तो उनको पता है कि ये देखने में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में ड्राइव करना, जॉबों पे जाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन बस ये लाइफ है, अल्लाह ताला जिसका रिस्क जहाँ लिखता है वो वहीं आता है, तो बस फिर उसी तरह से रहना भी होता है इंसान को ना। और आज की अच्छी बात ये है कि देखें ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो, दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं होती। और अगर हम अपने मज़हब में ये देखें तो ज़्यादा फजूल खर्च हो या ज़्यादा कंजूस हो वो भी सही नहीं है, तो बीच में की जो चीज़ होती है मियाना रवि जिसे बोलते हैं, वो हमारे मज़हब में भी पसंद की जाती है। तो इसी तरह ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं होती और ज़्यादा ठंड भी नहीं अच्छी होती, तो सीखने के लिए हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए। बस अल्लाह ताला हमें अमल और समझ की भी तौफीक दे इन बातों को। ये मौसम भी अल्लाह ताला के हमें यही सिखाते हैं कि अभी ये बर्फ़बारी हो रही है, फिर स्प्रिंग आ जाएगा, फिर पत्ते आएंगे, तो मौसम बदलते रहते हैं। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के मौसम भी होते हैं, कभी तकलीफ़ें आती हैं, कभी परेशानियाँ आती हैं, फिर वो मौसम भी चले जाते हैं, वक्त भी एक जैसा नहीं रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देख के मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की थी, ये चीज़ें जहन में आती हैं, बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों के मामले करे, आमीन। तो मेरे साथ ही रहिएगा, ये देखें बाहर क्या जो है ये कैसा लग रहा है, आप लोगों को बताइएगा कॉमेंट करके मुझे इंशाल्लाह। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के कॉमेंट का, कैसी लग रही है स्नो। एक दो लोगों ने मुझे कहा भी था जो पाकिस्तान में है मेरी फ्रेंड, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। तो लाइट सी स्नो पड़ी थी तो फिर तो मैंने वही बनाई थी, लेकिन ये दो दिन से थी स्नो तो बाहर निकली थी तो मैंने ये वीडियो बना ली है। देखें तो रोड वगैरह तो क्लीन थे, ये साइड वॉक्स पे ही हैं, सब क्लीन भी कर रहे थे क्योंकि अब लाइट सी पड़ रही थी, इतनी नहीं थी, लेकिन अभी भी स्नो हो रही थी। अगर आप देखेंगे तो वीडियो में महसूस होगी गिरते हुए अभी भी ना। तो इस वक्त तो इतनी ठंड नहीं थी क्योंकि 35 के करीब था, ये देखें बच्चों ने स्नोमैन वगैरह बनाया था, तो इतनी ठंड नहीं थी इस वक्त जो है, वो 35 था। हाँ इस वक्त हो रही है स्नो, देखी नज़र आ रही है गिरते हुए भी ना। ये देखें साइड वॉक्स वगैरह क्लीन कर दी हैं कि जो चलने के लिए रास्ते बने हुए होते हैं, ये देखें सारे दरख्त वगैरह सब ट्री जो हैं ये सब कवर हो जाते हैं स्नो से, फिर उसके बाद फिर मेल्ट हो जाती है, फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। लेकिन ये अच्छी खासी तकरीबन 6 इंच के करीब थी, 6 से 7 इंच के करीब, तो इस दफ़ा काफ़ी अच्छे दो दिन ही हो रही थी स्नो, फिर उसके बाद ज़ाहिर वो क्लीन होते हुए भी टाइम लगता है। वेदर जब फिर ये मेल्ट होगी 40 में 35 में जाएगा दोबारा से। ये देखें बच्चे खेलते हैं तो स्नोमैन वगैरह बना लेते हैं, बच्चों को थोड़ी, बच्चे तो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। देखें सब क्लीन कर रहे हैं ये, देखें ये सब स्ट्रीट की क्लीनिंग हो रही है, ये सिटी से होती है, ये देखें ताकि प्रॉब्लम ना हो लोगों को। और ये सॉल्ट डालते रहते हैं ताकि मेल्ट हो जाए ना फिर स्नो, और रोड पे ड्राइव करने में लोगों को प्रॉब्लम ना हो।
ड्राइविंग भी थोड़ी एहतियात से करनी होती है, बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। ये देखें, ये सब बाहर पूरी ट्री से कवर हो गई थी स्नो से, और अभी भी स्नो हो रही थी। ये दूसरा दिन था, सेकेंड डे, लेकिन इसमें भी स्नो पूरी रात हुई थी और पूरा आज शाम हो गई है। ये इस वक्त पूरा दिन हुई है आज, ये ना तो उसमें तो इस दफ़ा काफ़ी बुरा वेदर रहा है। दो दिन तक यही कंडीशन रही है इसकी, तो काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह भी पूरी ढक गई थी, तो गाड़ियाँ निकल भी नहीं रही थी लोगों से बाहर, तो पूरी हालत कंडीशन बाहर की बहुत बुरी हो रही थी। इस पर फिर एक आध दिन में ही सही हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल लोग जॉब पे जाने लगेंगे। तो ये तो यहाँ का रूटीन ही है एक तरह से ना। ये देखिए, बिल्कुल पूरे फीस से स्नो से पूरी ढक गई है। देखिए देखिए, ये सब क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि इस वक्त हो जाती है क्लीन जब इस वक्त स्नो हुई है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती ना। इसके बाद इस पर सॉल्ट डाल दूँगी। ये देखें कि सॉल्ट से ये है कि ये मेल्ट भी हो जाएगी और फिर ये एंट्रेंस वगैरह क्लीन रहती है ना, तो स्नो हट जाएगी। तो ये देखें, सॉल्ट से ये मेल्ट होती रहेगी। तो ये सब तो करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर हमें घर में आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इस स्नो की वीडियो बनाई थी मैंने। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग ये छोटा सा मेरा कैसा लगा आप लोगों को। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ और कुछ नई अच्छी बातों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।